जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन दर्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो SSB का प्रोसीजर होता है, जो आपका 5 दिनों का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो आपका Day 1 होगा, उसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें होते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग। ये जो होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसमें आपको 2 बुकलेट दिए जाते हैं 40 क्वेश्चंस के, जिसमें आपको पहले बुकलेट के लिए 22 मिनट दिया जाएगा और दूसरे बुकलेट के लिए दिया जाएगा आपको 17 मिनट। यानी कि ये जो बुकलेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें जो भी गिवन क्वेश्चन होते हैं जो आपके इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है, उसका आपको आंसर करना होता है। तो इन सभी का आंसर काफ़ी केयरफुली करना होता है फ्रेंड्स। जो नेचुरल आंसर होते हैं, बस उनका ही आपको आंसर करना है, आपको कुछ भी ऊपर के सोच के साथ नहीं करना है। नेक्स्ट, PPDT का मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, कुछ पिक्चर्स आपको शो किए गए हैं। तो ये जो पिक्चर्स हैं, आपको ऐसे ब्लर्ड पिक्चर दिए जाएंगे और इन पिक्चर्स के ऊपर आपको 30 सेकेंड के लिए आपको बस ये डिस्प्ले कराया जाएगा। बस आपको 30 सेकंड तक के पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और जिसके ऊपर आपको एक बहुत मीनिंगफुल स्टोरी 4 मिनट में लिखनी होती है। तो आप लोग बिल्कुल ये ध्यान रखें कि आप लोग उस पिक्चर को अच्छे से देखें और जितने अच्छे से मेमोराइज कर सकें उस 30 सेकंड में उस पिक्चर को मेमोराइज करें, और तुरंत ही आप स्टोरी लिखना स्टार्ट ना करें। आप उस पिक्चर को पहले मेमोराइज करें, कैरेक्टर के बारे में सोचें, कितने सारे कैरेक्टर्स थे उसमें, कौन कौन थे, क्या थे, आपको जो भी स्टोरी लिखनी है उसके बारे में अच्छी सी स्टोरी का जितनी जल्दी हो सके आप तैयार करें, तब आप लिखना स्टार्ट करें। और साथ में ये ध्यान रखें कि आपको जो पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, पेपर के लेफ्ट में आपको मे बी कैरेक्टर के एज के बारे में, कैरेक्टर के सेक्स के बारे में, कैरेक्टर कितने सारे हैं, क्या है, ये सब कुछ आपको लिखने के लिए बॉक्सेस बने होंगे, तो उसमें आपको वो भी लिखना पड़ता है। तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आपको 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जो आप लिखने से पहले एक्शन लोगे उसके लिए। अब आगे, जैसे आप स्टोरी कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उसमें या तो आपको 10 के ग्रुप में, या तो 15 के ग्रुप में, या 18 के ग्रुप में, या तो 20 के ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि फिर आप लोग ग्रुप में मिल करके उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन कर सको। उसके बाद आपके ग्रुप में से किसी एक को चुना जाएगा, किसी एक को, और उसे चुन करके आपको जितने भी आप लोग ग्रुप में जो कॉमन स्टोरी है, उस कॉमन स्टोरी को सुनाने के लिए कहा जाएगा। और उसके लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो जो आपको 1 मिनट दिया जाएगा, उस 1 मिनट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पूरी स्टोरी सुना देनी है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं इस बात के लिए, आप हेजिटेशन ना रखें, क्योंकि अगर आप बोलने में लड़खड़ाते हो तो आप रिजेक्शन का कारण ये भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपकी स्टोरी उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगी, तो वो जो आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, वो बढ़ा भी दिया जा सकता है। सो आप बिल्कुल अपनी स्टोरी को बिल्कुल मीनिंगफुल बनाएं और जितने अच्छे से हो पाए एक्सप्लेन करें। आपके बोलने के तरीकों पर भी निर्भर करता है कि वो आपको टाइम ज़्यादा दें। आगे, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जैसे स्टोरी सुनाना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करोगे, और आप ख़त्म करोगे तो आपको थैंक्स बोलना है। और जो भी आप अपने स्टोरी बनाई है, वो बिल्कुल मैनरफुल तरीके से, बिल्कुल एकदम प्यार से, अच्छे से, विनम्र स्वभाव के साथ आपको बतानी है। और ध्यान रखना है कि आप जिस ग्रुप में आपको रखा गया है, आप उस ग्रुप के साथ अपना आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें, बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन के रहें, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए गए हो वो बहुत बड़ा टास्क है, उसे आपको बिना लड़खड़ाए हुए ही पार करना है, क्योंकि आप जैसे ही लड़खड़ाते हो वैसे आप गिर जाओगे। तो आपको गिरना नहीं है, उठना है, आगे आना है। और आपकी जो आवाज़ है उसे आप बिल्कुल लाउड इतना ऊपर रखना है कि उससे आप अच्छे तरीके से सब कोई को सुनाई दे। ऐसा नहीं कि उन्हें फिर पीछे से कहना पड़े कि आप अच्छे से बोल नहीं रहे हो तो ज़ोर से बोलो, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने चाहिए आपको। आप बिल्कुल अपनी आवाज़ को एक लेवल पर रखोगे और जो भी आप बोलोगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे, Day 2, जैसे Day 1 आपका ख़त्म हो जाता है, तो फिर Day 2 में आपको जो टेस्ट लिए जाते हैं वो होते हैं साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट, जैसा आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपके माइंड के टेस्ट के रूप में ये चीज़ होता है। तो इसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं TAT। TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। सेकेंड होता है WAT। WAT की फॉर्म होती है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फिर SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और SDT जिसे बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो हम आगे इन 4 के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है, उसमें आपको 12 स्लाइड्स दिए जाएंगे।
उनमें 11 स्लाइड्स में पिक्चर्स होते हैं, लेकिन जो एक लास्ट स्लाइड होता है वो होता है एम्प्टी। ठीक है, तो जो एम्प्टी स्लाइड होता है उसमें आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, जो भी आपको लिखने के लिए टाइम मिलेगा उस गिवन टाइम में आपको लिखना है। तो जो आपको टाइम दिया जाता है लिखने के लिए वो दिया जाता है 4 मिनट का, और आपको उसके अलावा 30 सेकंड एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा, आप अपनी पिक्चर को ऑब्जर्व कर सको उस इसके लिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो 11 स्लाइड्स आपको पिक्चर्स के मिले हैं उससे आप अच्छे से जो थीमेटिक तरीके से एक अच्छे तरीके से स्टोरी आप लिख सको। आगे TAT के बाद होती है WAT की बारी। WAT यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 60 वर्ड्स। ये जो टेस्ट आपका होता है वो 60 वर्ड्स का होता है, यानी कि आपको 60 वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि आपको एक प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाएगा, और 15-15 सेकंड के लिए आपको हर एक वर्ड दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको इसके ऊपर कुछ भी मीनिंगफुल सेंटेंस सोच लेना है, आपको ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं सोचना है क्योंकि आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे और आपको टाइम टोटल जो मिलेगा वो आपको बस 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी किसी वर्ड के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाएं, और आप जितना छोटा सेंटेंस हो सके उतना छोटा आपको सेंटेंस बनाना है। तो आपको मिनिमम 5-6 वर्ड्स का एक छोटा सेंटेंस बनाना है, और कोई भी सेंटेंस आप हर सेंटेंस में डिफेंस को रिलेट ना करें, और हर सेंटेंस में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, एक नॉर्मल सा सेंटेंस, जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल आपको सेंटेंस बनाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप यहाँ पे SSB के इंटरव्यू के लिए आए हो तो आपको हर चीज़ एकदम ऊपर बढ़ा बढ़ा के रखना है, ऐसा नहीं। जितनी नॉर्मेलिटी आप रखोगे उतना अच्छा होगा। आगे SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ये काफ़ी बड़ा टेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको 60 सिचुएशंस दिए जाते हैं। जैसे आपको दिया जाएगा कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है, आप यहाँ पे ऑफिसर हो, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, और भी क्वेश्चंस ऐसे किए जाएंगे जैसे कि आपके जो बड़े ऑफिसर हैं वो किसी कारणवश जख्मी हो गए हैं, अब आपको कमांड संभाल ली है तो आप क्या करोगे, ऐसे तरह के बहुत सारे कमांड्स आपको बताए जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे, और उसके लिए आपको टोटल 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो आपको वैसे जो है हर एक सिचुएशन के लिए आपको 30-30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आप लोग जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको पहले से प्रिपेयर होकर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आपके सामने आएंगे जिसकी आपने तैयारी की नहीं होगी, पर वैसे सिचुएशन के सिमिलर आपने तैयारी ज़रूर की होगी, और वैसे सिचुएशन को आप फिर आसानी से वहाँ पे बता सकोगे। तो आपको जितना प्रैक्टिस हो पाए आप उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकता है, और वहाँ पर जा कर के आप इन सारे टेस्ट में फिर पास हो सकते हो। आगे SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो SDT क्या होता है? वैसे लोग जो बहुत सारी बातों में घबरा जाते हैं, जैसे कभी लोग मिलते हैं किसी से तो आप क्या करते हो, आपके बारे में कुछ लोग पूछ देते हैं तो आप नहीं बता पाते, तो आपको पहले अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जो किसी लोग किसी भी समय में आप बैठे हुए किसी के सामने तो आपको बतानी है, तो उस तरीके से आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपने आप का रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको यही चीज़ बतानी होती है। तो आप क्या बताओगे वहाँ पे? तो वहाँ पे आप बताओगे अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, और भी कुछ जैसी चीज़ें होती हैं वैसे आप बताओगे कि आपको क्या खेलना पसंद है, आप कहाँ घूमना पसंद करते हो, आप स्टोरी लिखना पसंद करते हो क्या, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, और उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये होता है ख़त्म Day 2। अब Day 2 के बाद जो Day 3 होता है वो होता है ग्रुप टेस्टिंग। ये जो कि पहला है, इसमें आपको सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के लिए भेजा जाएगा। ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है किसी 2 टॉपिक को दिया जाएगा, और उसमें आपको जैसे कि कोई करंट इवेंट्स चल रहे हैं, कोई सोशल इशू चल रहा है, कोई इकोनॉमिक इशू चल रहा है, ऐसे कुछ इश्यूज़ के ऊपर आपको कोई 2 टॉपिक दिए जाएंगे, और आपको उस 2 टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन करने के लिए 20-30 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे जैसे ही आप लोग को, पहले भी मैंने बताया था कि आप लोग को 10 से 15-20 के ग्रुप में ऐसे बांट दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिर से 10-15-20 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा, और जो आपने स्टोरी सोची है, जो आपने करंट इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो स्टोरी बताई है, स्टोरी बनाई है, वैसे स्टोरीज़ को आपको वहाँ पर नैरेट फिर करना होता है, और फिर आपको बताना होता है कि आप वो जो इशूज़ हैं, जो आपने इशू उठाया है, जो आपने इशू पकड़ा है, जो आप उसके बारे में समझते हो, तो आप क्या समझते हो, और वैसे इशूज़ को आपको किस तरीके से सॉल्यूशन देना है, आप उन इशूज़ का सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऐसी बातें आपको पूछी जाएंगी। आगे जो होता है वो होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फिर होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क। तो ये जो तीनों टास्क है ये आपके फिजिकल के रिलेटेड कुछ टास्क होते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको बहुत सारी रेसेस वगैरह कराई जाएंगी, कुछ जैसा कि आपको ग्रुप में मिलकर के करना होता है,
जो कि फिजिकल से रिलेटेड ही होता है। जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, GOR ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इसमें स्नैक रेस वगैरह आपको, जैसे कि जो लोग नॉर्मल स्टेमिना वाले हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो थोड़े कमज़ोर से लोग हैं, जो थोड़े फिट अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर लगता है जैसे कि थोड़े दूर दौड़े नहीं हो पाया, तो वैसे समय में टेंशन नहीं लेना है। आपके जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और आप अगर कोई जाओ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसा कमज़ोर है तो उसे आप ज़रूर हेल्प करना फ्रेंड्स। अब आगे हाफ ग्रुप टास्क, आपकी जितनी मेंबर्स की ग्रुप बनाई जाएगी, जैसे आपके 10 की ग्रुप बनाई गई है या 20 की ग्रुप बनाई गई है, तो उसे फिर 2 ग्रुप्स में फिर से डिवाइड कर दिया जाएगा, फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको कुछ और टास्क दिए जाएंगे और आपको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपको उस तरीके से उन सबको फॉलो करना है। अब आगे Day 4, जैसे Day 3 आपका ख़त्म होता है तो ग्रुप टेस्टिंग 1 आपका Day 3 में ही ख़त्म हो जाता है, और ये Day 4 में आपका ग्रुप टेस्टिंग 2 स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है लेक्चर 8। तो ये क्या होता है, तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 4 टॉपिक दिया जाता है। 4 टॉपिक्स में वो किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करके उसके ऊपर बोल सकते हैं, और उसके लिए उन्हें 3 मिनट का समय दिया जाता है। तो आप जो भी यहाँ पे बोलेंगे, आप जो भी आपको टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर आपको तुरंत से जितना भी आपको समय मिला है सोचने का, उतने में आप हर तरीके से अपना माइंड लगा करके नॉर्मल जो भी आपका होता है वो आप निकाल लो, और उसी नॉर्मेलिटी के साथ आपको सारे आंसर्स करने हैं, सारी बातें बोलनी है, कुछ भी बड़ा करने की कोशिश नहीं करना है फ्रेंड्स। अब आगे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, ईच कैंडिडेट नीड्स टू क्लियर 10 गिवन ऑब्स्टेकल्स, यानी कि आपको 10 टास्क दिए जाएंगे, 10 ऑब्स्टेकल दिए जाएंगे, जो कि आपको 3 मिनट के पीरियड में आपको करने हैं, जो कि 1 से लेकर 10 तक के डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर मार्क होते हैं। वो आपको वहाँ पर आप जाओगे तो आपको सारी मार्किंग वहाँ पर समझ में आ जाएगी कि 1 क्या है 2 क्या है, ऐसे करके सारी बात आपको वहाँ पर एज इंस्ट्रक्शन बताई जाएंगी। तो आपका जो लेवल होता है वो डिफ़िकल्टी लेवल, ये जो मार्क होता है ये डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ग्रुप ऑब्स्टेकल्स के बाद में फिर ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, तो उसमें आपको कुछ कुछ जैसे होते हैं डबल जंपिंग, ये सब, ये आपका जो जैसे आपने पहले भी किया होगा, आपने डिच किया होगा, डबल डिच, ऐसे कुछ कुछ नॉर्मल रेसेस होते हैं, पहाड़ पे चढ़ना, तो ये सब कुछ कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स दिए जाएंगे। अब आगे कमांड टास्क, तो कमांड टास्क क्या होता है कि जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं उन्हें कमांडर बना दिया जाता है, और कमांडर बनाने के बाद सबको कुछ वैसे सिमिलर टाइप के ऑब्स्टेकल दिए जाते हैं। तो HGT जो हाफ ग्रुप टास्क होता है उसी तरीके से सिमिलर ये होता है, तो उस तरीके से इसमें एस्पायरेंट को कमांडर बना दिया जाता है, जो कि उसे कवर करना होता है अपने बाकी को फ्रेंड्स को, और जो भी बातें होती हैं उसके हिसाब से उन्हें टास्क दिया जाता है, उस हिसाब से उन्हें पूरा करना होता है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना होता है, उन्हें हेल्प करना होता है। अब आगे फाइनल ग्रुप टास्क, तो ये फाइनल ग्रुप टास्क क्या होता है, जो आपका पूरा ग्रुप होता है उसे फिर से एक साथ किया जाता है, रियूनाइट किया जाता है, और रियूनाइट करने के बाद कुछ टास्क असाइन किए जाते हैं जो कि PGT के सिमिलर कुछ होते हैं, और कुछ गिवन टाइम आपको उसमें दिया जाएगा, उस गिवन टाइम में आपको वो जो टास्क होता है उस आपके ग्रुप के साथ में उसे पूरा करना होता है। अब पर्सनल इंटरव्यू, तो ये जो पर्सनल इंटरव्यू है, ये जैसे आपका Day 2 का जो वो फंक्शन होता है, Day 3 का और Day 4 का फंक्शन होता है, उसके बाद में ये पर डे आपको लिया जाता है, जो कि आपके डेली टास्क के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि डेली टास्क में आपने क्या क्या किया, आज क्या पूरा हुआ, उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नॉर्मल किए जाते हैं। और जो इंटरव्यू होता है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर, आप क्या क्या करते हो या क्या पसंद है, फैमिली हॉबीज़, अचीवमेंट्स, ऐसे स्कूल्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, या नॉर्मल से लाइफ में GK के बारे में, किसी सब्जेक्ट को लेकर के पूछा जा सकता है। तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ऐसे सब्जेक्ट में आपको इंटरव्यू लिया जाता है। अब फाइनली Day 5, जब आपका Day 4 कंप्लीट हो जाता है, Day 4 के बाद लास्ट आपका जो डे होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस का डे, और ये बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लाइफ में सबसे बड़ा डे होता है, कॉन्फ्रेंस का डे। इसमें क्या होता है, इसमें हर एसेसर आपस में डिस्कस करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करनी है वो सुटेबल है कि नहीं, और उनके साथ साथ क्या सारे जो कंडीशंस है वो ठीक ठाक है कि नहीं, और इस बात के लिए हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली बोर्ड के सामने लाया जाता है और उनके सारे असेसमेंट के बारे में अच्छे से नैरेट किया जाता है। उसके बाद बोर्ड लास्टली इस डिसीजन पर पहुँचते हैं कि उस कैंडिडेट को रिकमेंड करना है या नहीं करना है, उसके सारे असेसमेंट के नरेशन के बाद। तो इस तरीके से आपका ये
5 दिन का जो SSB का प्रोसीजर होता है वो ख़त्म होता है। तो अभी से ही आप लोग जितने भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो इस बार कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, तो वो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें और अपनी प्रिपरेशन को जितना अच्छा हो सके करें, क्योंकि आपका अभी का ये प्रिपरेशन आपको SSB के थ्रू रिकमेंडेशन दिला सकता है। बिल्कुल आप जो भी तैयारी रखें उसे नेचुरल रखें, नेचुरल के ऊपर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी ऊपर सुपर हीरोज टाइप के ऐसे थिंकिंग रख के आप कुछ भी स्टोरी अगर सोचते हो या अपने टास्क को पूरा करते हो तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी छोटा सा रीज़न भी अगर रिजेक्ट का कारण बनता है तो वैसे रीजन्स को बिल्कुल आप फॉलो ना करें और जितना अच्छा हो सके अपना प्रिपरेशन रखें। मैं विश करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स SSB के लिए जा रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से अच्छे रिकमेंडेशन के साथ आप काफ़ी अच्छे तरीके से एक ऑफिसर के रूप में आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।